दिल फिदा जानिसा। तो ये वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए। तो दोस्तों, अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो लाऊं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों, लेट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपना मोबाइल स्क्रीन पे। तो फाइनली दोस्तों, हम अपना मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद हम वो एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे, काइंड मास्टर एप्लीकेशन है, हम उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा काइंड मास्टर एप्लीकेशन है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो हम इसको ओपन कर लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा काइंड मास्टर एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। काइंड मास्टर एप्लीकेशन ओपन होने के बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद 16.9 वाला को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा और उसके बाद हम मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो हम एक बेलेक टेम्पलेट वीडियो को डाउनलोड करके रखे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम ब्लैक टेम्पलेट वीडियो को डाउनलोड करके रखे हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है, ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एक फ़ोटो को PNG आप बना लीजिएगा। अगर PNG बनाना नहीं आता है आपको फ़ोटो को, तो मेरा एक लिंक है, वीडियो का लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं फ़ोटो को PNG कैसे बनाएं। तो दोस्तों, आप फ़ोटो को PNG बना लीजिएगा, पिकार्ट चाहे जो भी बहुत सारा ऐप है उससे आप PNG बना लीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हम अपना फ़ोटो को PNG बनाए हैं, फ़ोटो जो PNG बनाए हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद ये रोटेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, मिरर वाले, उसके बाद कुछ इस प्रकार से हम रोटेट कर लेंगे। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम रोटेट कर लिए। उसके बाद इसको भी खींच के हम वहाँ तक कर लेंगे जितना तक अपने को चाहिए। दोस्तों हम 40 सेकंड तक खींच के बड़ा कर लेते हैं और फोटो को कुछ इस प्रकार से अच्छा से एडजस्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं और फोटो पे क्लिक है और 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमें किस का डुप्लीकेट कर लिए। डुप्लीकेट करने के बाद ये वाला फ़ोटो को कुछ इस प्रकार से यहाँ लेके जाकर एडजस्ट कर लेंगे और इसको कुछ यहाँ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद ये सेकेंड वाला फ़ोटो को क्लिक करके जाएंगे ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन में। ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन में जाने के बाद ये लाइट गेन या डार्कनेस लाइट गेन कर दीजिएगा, नहीं तो हार्ड लाइट कर सकते हैं, उसमें आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ लाइट 10 वाला जो ऑप्शन है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये आप भी कर लीजिएगा अच्छा है। डार्कनेस भी कर सकते हैं चाहे कलर बर्न भी कर सकते हैं। कलर बर्न करेंगे तो ये पूरा बेकार हो जाएगा, तो कलर बर्न नहीं सॉरी लाइट 10 जो ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से अपने फ़ोटो को एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद इसका अल्फा ऑपेसिटी को थोड़ा कम कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार से। देख सकते हैं अल्फा ऑपेसिटी को कम कर लीजिएगा और उसके बाद सही कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये फ़ोटो एडजस्ट हो गया है। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ओवरले पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं मेरे में नेशनल फ्लैग्स डाउनलोड है। आप में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो गेट मोड पर क्लिक करके नेशनल फ्लैग्स वाला ऑप्शन को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेशनल फ्लैग हम डाउनलोड करके रखे हैं, तो यहाँ नेशनल फ्लैग में अपना तिरंगा जो झंडा है इसको सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से और इसको अभी साइज को खींच के हम वहाँ तक खींच के बड़ा कर लेंगे। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इसको हम यहाँ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों हम यहाँ कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लिए। एडजस्ट कर लिए तो मेरा फ़ोटो पे आ जा रहा है ये, इसको कुछ छोटा करके और एडजस्ट कर लेते हैं। आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ एडजस्ट कर लिए। एडजस्ट करने के बाद फिर से हम लेयर वाला ऑप्शन पे जाएंगे, ओवरले वाला ऑप्शन पे जाएंगे और हम यहाँ डाउनलोड करके रखे हैं लाइमलाइट। और आप में ये नहीं होगा तो लाइमलाइट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल इसको मैं डाउनलोड करके रखा हूँ,
तो लाइम लाइट को यूज कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसमें लाइटिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो लाइटिंग वाला ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला लाइट, फर्स्ट वाला लाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको कुछ इस प्रकार से रोटेट करके लगा सकते हैं, हम जहाँ भी लगाना चाहते हैं, बड़ा भी छोटा भी करके। तो कुछ इस प्रकार से हम लगा लेते हैं यहाँ, ठीक है, अभी लगा सकते हैं, जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ लगा सकते हैं। तो इसको भी खींच के हम बड़ा कर लेंगे। और आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, लेयर में जाइएगा, ओवरले में जाइएगा, यहाँ मिल जाता है दोस्तों। फिर आपको फायरवर्क्स, मैं फायरवर्क्स भी डाउनलोड करके रखा हूँ, आप नहीं, आप में नहीं होगा तो गेट मोड पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं फायरवर्क्स। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं आप अपने अनुसार। तो फिलहाल मैं ये रेड कलर वाला फायरवर्क्स को ले रहा हूँ। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये है, इसको भी खींच के हम बड़ा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, आप जहाँ मर्जी जहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक लेयर पे क्लिक करके, फिर ओवरले पे क्लिक करके, फिर फायरवर्क्स में एक और कलर, दूसरा कलर ले लेता हूँ जो कि अट्रैक्टिव होगा देखने में। तो मैं ये ब्लू कलर को ले लेता हूँ। उसके बाद इसको भी फिर से बड़ा कर लेंगे 40 सेकेंड तक, इसको बड़ा कर लेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, बड़ा छोटा करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ एडजस्ट कर लिए, एडजस्ट करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बना। इसका मैं साउंड को ये कर देता हूँ म्यूट, फिलहाल देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बन चुका है। और इसमें एक काम को आपको करना होगा, फिर से लेयर वाला ऑप्शन पे जाना है, मीडिया वाला ऑप्शन पे करना है। मैं एक फ़ोटो एडिट करके रखा हूँ, इरेज करके रखा हूँ, देख सकते हैं 26 जनवरी वाला ऑप्शन को देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करके आप अपने अनुसार जहाँ लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ लगा लेता हूँ 26 जनवरी, और मैं अपने नाम का एडिट करके रखा हूँ, और इसको भी खींच के बड़ा कर लीजिएगा। और इसमें इन एनिमेशन डाल दीजिएगा, इन एनिमेशन में जाने के बाद स्लाइड राइट कर सकते हैं, स्लाइड राइट कर मतलब यहाँ इस टाइमिंग को सेट कर लीजिएगा अपना। तो मैं टाइमिंग कर लेता हूँ 3, और फिर लेयर्स वाला ऑप्शन पे जाएंगे, मीडिया वाला ऑप्शन पे जाएंगे, और एक हम अपने नाम का पीएनजी बना के रखे हैं, तो इसको भी कुछ इस प्रकार से यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसको भी खींच के बड़ा कर लेंगे, और इसमें भी इन एनिमेशन डाल लेंगे, स्लाइड लेफ्ट इसमें डाल लेते हैं, उसका भी 3 कर लेते हैं टाइमिंग, टाइमिंग सेट इसका भी 3 कर लिए हम। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मेरा स्टेटस बन के रेडी हो चुका है आपके सामने, प्ले करके दिखा दूँ। तो देख सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव स्टेटस बन के रेडी हो चुका है आपके सामने। अगर आप भी इस प्रकार से स्टेटस और भी बनाना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी इस प्रकार से वीडियो लाऊं अब तक तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों अगर ये आपका स्टेटस बन के रेडी हो चुका है, आप ओनली इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए ये शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और आप अपने अनुसार यहाँ साइज को लेके 1440 पर करना चाहते हैं तो 1440 पर कर सकते हैं, 1080 आप अपने अनुसार प्रिंट को लेकर एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो ये कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।